बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है क्रेमर्स रूल के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को इन्वर्जन मेथड के बारे में बता चुका हूं, वो वीडियो आप देख ले। उसमें इन्वर्जन का मेथड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। एग्जाम अगर 8 का हो या 9 का हो तो हर पेपर में वो क्वेश्चंस आते हैं। सेम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है क्रेमर्स रूल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। अच्छा जी, यहाँ पर क्रेमर्स रूल के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे पास एक मेथड है, एक प्रोसीजर है जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। व्यूअर्स यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास लीनियर है। लीनियर कौन से होते हैं व्यूअर्स? लीनियर व्यूअर्स हमारे पास वो इक्वेशंस होते हैं जिसमें हमारे पास पावर 1 हो। अगर पावर 1 आ जाए तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। और इक्वेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इक्वेलिटी का साइन है। अगर यहाँ पर इक्वेलिटी का साइन सपोज ना होता तो फिर ये इक्वेशन ना होता। ये हमारे पास फिर होता, यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ प्लस होता या माइनस होता तो फिर ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता। अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन क्या होता है तो आप उसको सिंपल अल्फाज में बता सकते हैं, एन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इक्वेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप लोग 0 के को ले लें तो वो एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है। तो ये हमारे पास व्यूअर्स, ये हमारे पास अभी क्या चीज है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशंस है। और इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे पास मोर देन 1 वेरिएबल और मोर देन 1 इक्वेशंस है, तो इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी इसको कहा जाता है। अच्छा जी, ये दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले सेम प्रोसीजर कि ये हमारे पास अल्जेब्रिक फॉर्म में, तो इसको हमने मैट्रिसेस फॉर्म में चेंज करना है। तो किस तरह से चेंज करते हैं चलिए जी देखते हैं। यहां पर हमारे पास ये 1 माइनस 2, यहां पर है 2 और यहां पर क्या चीज है -1। अगर कोई नंबर नहीं गिवन तो आप लोग उसकी जगह 1 ले सकते हैं और नेगेटिव साइन जो है ना ये इस इक्वेशन से हमारे पास आ गया है। अच्छा जी, अभी दो वेरिएबल्स है तो एक्स वाई और यहां पर आ जाएगा 5 और 6। सेम प्रोसीजर यहां पर हमारे पास, इसको आप कैपिटल ए का नाम दे दें, इसको आप कैपिटल एक्स का नाम दे दें और इसको आप कैपिटल बी का नाम दे दें। यहां पर आ जाएगा 5 और 6 और यहां पर जो नंबर्स है 1 माइनस 2, 2 माइनस 1। अच्छा जी, यहां पर आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना कि एक्स इज इक्वल टू बी, बस यहां तक जो है ना दोनों इक्वेशंस आपस में क्या चीजें सेम है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चंस आपस में सेम है यहां तक। अभी क्रेमर्स रूल में हम सारे के सारे डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, तो इसका जब हम आपस में डिटरमिनेंट मालूम करेंगे तो बोथ साइड वर्टिकल लाइन ले ले 1 माइनस 2, 2 माइनस 1। तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट ले ले तो 1 को आप मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, ये माइनस फार्मूले का है, -2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। तो व्यूअर्स यहां पर हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस और 2 2 4। अच्छा जी, 4 से 1 के क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ए डिटरमिनेंट तो हमने व्यूअर्स यहां पर फाइंड आउट कर लिया है। अभी डिटरमिनेंट ऑफ a1, a1 किस तरह से व्यूअर्स फाइंड आउट करेंगे? इसको a1 भी कहते हैं और ax भी कहते हैं, यानी x जो है ना यहां पर जो हमारे पास आ जाए, मिसाल के तौर पर यहां पर आ जाए x ये, या आप लोग यहां पर लिख ले 1, तो इसको व्यूअर्स हमारे पास इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये सबस्क्रिप्ट में हमारे पास या तो x होगा या हमारे पास 1 होगा। तो मैं यहां पर 1 क्यों लिखता हूं, 1 की वजह यहां पर हमारे पास ये है कि यहां पर ये फर्स्ट कॉलम है तो 1 है ना यहां पर, तो फर्स्ट कॉलम को हटा ले, फर्स्ट कॉलम हटा ले और इसकी जगह आप लोग b की वैल्यू डाले, यानी 5 और 6, और ये सेकंड कॉलम हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा -2 -1। तो इसमें बच्चों को समझने में आसानी होती है, 1 है तो 1 कॉलम हटाए, 2 है तो 2 कॉलम हटाए। अच्छा, अभी यहां पर 5 को आप लोग मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, नेगेटिव साइन फार्मूले का है, -2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो प्लस माइनस माइनस, 5 1 5, -1 प्लस, 6 2 12, 12 से 5 की हमारे पास 7। व्यूअर्स ये तो हमारे पास आ गया a1। अभी फाइंड आउट करते a2। ये आखिर तक इंशाल्लाह आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आएगी कि ये मैं क्यों a1 और a2 फाइंड आउट कर रहा हूं। अच्छा जी, अभी a2 है तो सेकंड कॉलम को हटाने, फर्स्ट कॉलम हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा, यानी 1 2, और सेकंड कॉलम में आप लोग चूंकि हटा चुके हैं तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास 5 और 6। अच्छा जी, 1 को मल्टीप्लाई करें बेन डायगनल में, सबसे पहले वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6 1 6, यहां पर 10 और यहां पर आ जाएगा -4।
व्यूअर्स आप लोग याद रखें कि आप लोगों ने एक्स और वाई मालूम करना है, चाहे क्वेश्चन नंबर वन हो, चाहे क्वेश्चन नंबर टू हो, चाहे इनवर्टेड मेथड हो या चाहे क्रेमर्स रूल हो, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, एक्स किस चीज के इक्वल है और वाई किस चीज के इक्वल है, यहां पर याद रखें कि एक्स जो है ना ये इक्वल है, नीचे आप लोगों ने डिटर्मिनेंट में दोनों में आप लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में लिखना है। एक्स में ए वन लिखना है याद रखने का तरीका, और वाई में ए टू लिखना है, दोनों में डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में एक्स में ए वन और वाई में ए टू। अच्छा अभी इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं, वैल्यूज हमारे पास है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस चीज के इक्वल है, ये तो व्यूअर्स हमारे पास थ्री की इक्वल है, तो दोनों में डिनोमिनेटर में थ्री थ्री लिख ले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन किस चीज के इक्वल है, सेवन की, और ये किस चीज के इक्वल है, ए टू, ए माइनस फोर की, यानी एक्स इक्वल है सेवन बाई थ्री की और वाई इक्वल है माइनस फोर बाई थ्री की। तो व्यूअर्स ये हमारे पास था क्रेमर्स रूल, इसमें हमने तीन डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए वन और ए टू। उम्मीद करते हैं इसकी समझ आ गई होगी। इसमें हमारे पास तीन पार्ट से, एक पार्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर और करा के देता हूं, फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, इसमें मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाला हूं, चलिए इसमें आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर टू में पार्ट थ्री, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x plus 7y is equal to 3 और 3x plus y is equal to 5। तो सेम प्रोसीजर यहां पर भी है, आप लोगों ने मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना है इसको सबसे पहले, यानी यहां पर 5 और 7 है तो 5 और 7 लिख ले, यहां पर 3 और 1 है तो 3 और 1 लिखे, x y लिखे, और यहां पर 3 और 5, ये कैपिटल A की इक्वल है हमारे पास 5, 7, 3, 1, ये कैपिटल x के इक्वल हो जाएगा x y, और ये कैपिटल b के इक्वल हो जाएगा 3 और 5। अच्छा जी, अभी यहां से शुरू होता है हमारा तीनों के तीनों डिटरमिनेंट्स, तीन डिटरमिनेंट्स यहां पर फाइंड आउट करने हैं। अच्छा जी, बोथ साइड वर्टिकल लाइंस ले लें आप लोग, यहां पर 5, 7, 3, 1, 5 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, माइनस 7 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 21 हमारे पास आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए वन मालूम करना है तो फर्स्ट कॉलम को हटाना है, ए वन है तो फर्स्ट कॉलम हटाएं, तो फर्स्ट कॉलम की जगह क्या पुट करना है, बी की वैल्यू 3, 5, और यहां पर आ जाएगी क्या चीज, 7 और 1, सेकंड कॉलम अपनी जगह पर आ जाएगा, 3 × 1 माइनस 7 × 5। अच्छा जी, 3, 1, 3, 7, 5, क्या जाएगा हमारे पास 35 के साथ माइनस साइन है, 35 से 3 किया तो 32 आएगा। अच्छा जी, अभी हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं ए टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू, तो सेकंड कॉलम को आप लोगों ने हटाना होगा और फर्स्ट कॉलम हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा, यानी 5 और 3, सेकंड कॉलम की जगह क्या पुट करना है, 3 और 5। अच्छा जी, 5 को आप लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 को 3 के साथ, तो 5, 5, 25 माइनस 9, तो क्या आ जाएगा जी, 16 हमारे पास आ जाएगा। वर्टिकल लाइंस लगाना ना भूलिएगा। अच्छा जी, यहां पर अभी x हमें फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है, तो उसी तरह से सेम प्रोसीजर, दोनों में नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख ले, यहां पर a1 लिख ले x में और y में a2 लिख ले। अच्छा जी, यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस चीज के इक्वल है जी हमारे पास, -16, तो दोनों में नीचे -16 -16, ए वन किस चीज के इक्वल है जी हमारे पास -32 और ए टू किस चीज के इक्वल है हमारे पास 16, यानी x इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस के साथ क्या हुई है, कैंसल, 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू प्लस माइनस, -16 16 के साथ कैंसल, तो क्या जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये हमारे पास हो गया x और y की वैल्यूज, जिस तरह से हमारे पास 16 × 1 = 16, 16 × 1 = 1 आएगा, यानी कि 1 को 1 से डिवाइड कर तो क्या जाएगा हमारे पास -1। व्यूअर्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्रेमर्स रूल, इसमें तीन पार्ट्स थे, दो मैंने सॉल्व कर लिए, एक आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। तो आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल अख्तर अली टीवी 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके।
कल इंशाल्लाह इसके प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।